अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले सिरवानिया कटिंग दिखाया था आपको, बटन बैक अलग अलग कटिंग करके दिखाया था, और इस सिरवानी का आस्तीन कटिंग करके दिखाता हूँ। तो हम इस बार अलग तरीक़ा से हम इसका आस्तीन कट करेंगे। जैसे इस ये जो कपड़ा है बिल्कुल सेम नाप लेके हम इसको कटिंग करेंगे। चेस्ट के हिसाब से हम कट नहीं करेंगे। इसका लंबाई पहले नाप लेते हैं। सारे 25 इंची लंबाई है, 10 इंची मोड़ी है, और यहाँ पर का लूजिंग नापेंगे कितना लूजिंग है। ये देखिए सारे 15 इंच लूजिंग है। अब यहाँ पर से नापेंगे इक्योनी का लूजिंग कितना है, 12 इंच लूजिंग है इक्योनी का। अब इसके हिसाब से ये कोट है सेम, इसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे, लेकिन कुछ अलग तरीका से कटिंग करेंगे। सबसे पहले एक सीधा मार्क लगाएंगे, जैसे पैंट कटिंग करते हैं ना, पैंट के हिसाब से ये आस्तीन को कटिंग करेंगे। तो पैंट में क्या, पहले फ्रंट कट करते हैं, लेकिन पैंट का जो बैक का हिसाब है ना, वो आस्तीन में लगा के काम कट करेंगे। तो 1.25 इंच पे मार्क लगाएंगे, फिर उसका 6 इंच पे मार्क लगाएंगे, फिर उसका 13 इंच पे मार्क लगाएंगे। उसके बाद आस्तीन का लेंथ है 25.5 इंच, इस पर मार्क लगा देंगे, सीधा सीधा एक मार्क लगाएंगे। दो इंच बढ़ के लगाएंगे नीचे, तभी भी आस्तीन का लेंथ अगर कम हो जाए तो बाद में बड़ा कर सकते हैं। अब ये मार्क लगा लिए, सबसे पहले ये सेव स्केल लेंगे। यहाँ से पैंट में जो यहाँ पे सेप देते साइड में, ये साइड में उस तरह हम सेप दे देंगे। यहाँ से हल्का सेप दे देंगे, ये देखिए ये स्केल से यहाँ तक सेप दे देंगे, ऐसे रख लिए, सेप दे दिए। हम जो 15.5 इंच नापे हैं यहाँ पे, 15.5 का उसका आधा हिस्सा 7.25 होती है, ये 7.25 देंगे। अब यहाँ से जो 7.25 इंच दिए हैं, यहाँ से 2.25 इंच, 2.25 इंच मार्जिन रखेंगे। 12 इंच इसका क्यों नहीं है, 12 इंच मार्जिन रखेंगे यहाँ से 2.25 इंच। आज से 10 इंच है, यहाँ से फिर 2.25 इंच मार्जिन रखेंगे। अब इसको यहाँ से यहाँ तक मार्क उठाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन देंगे, यहाँ पे हल्का गोलाई मार लेंगे। यहाँ से एक सीधा एक मार्क लगा लेंगे, थोड़ा इसको अंदर कर लेंगे। यहाँ पे जो मार्क लगाए, यहाँ पे कम करेंगे, यहाँ बढ़ गई है तो यहाँ पे हम कम करेंगे, तो यहाँ पे सेप ले लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेंगे। अब
इसके हिसाब से इसके बीच में यानी ये 10 इंच में एक पॉइंट कम आ रही है, तो यहाँ पे बीच में मार्क लगाएंगे। पौने 2 इंच एक बीच से इधर मार्क लगाएंगे और पौने 2 इंच इधर लगाएंगे मार्क। इसको गोलाई यहाँ से करेंगे। एक अंदाज से जो मार्क लगाया है ना, ये मार्क के हिसाब से यहाँ पे गोलाई कर देंगे। एक जो मार्क यहाँ पे लगाए हैं तो यहाँ से गोलाई करते हुए ऐसे शेप देते हुए इसको यहाँ तक मिला देंगे। अब इसको हम कट इन कर लेंगे। ये आस्तीन का मेन पल्ला कट गया। अब यही पल्ला बैठा के हम नीचे का पल्ला कट करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठा लेंगे इसको, सीधा बैठाने के बाद सबसे पहले हम इसको यहाँ से बराबर कट देंगे। पहले हम एक ही पल्ला कट करेंगे, फिर इसको बैठा के दूसरा पल्ला कट कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ से 2 इंच कम करेंगे। यहाँ पे भी 2 इंच कम करेंगे। यहाँ पे भी 2 इंच कम करेंगे। ये पल्ला को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसी पल्ला को है नीचे थोड़ा सरका लेंगे, पल्ला को नीचे सरका लेंगे। इसको मार्क उठा लेंगे। एक मार्क यहाँ लगा लेंगे, एक मार्क यहाँ लगा लेंगे। अभी यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे ये जो मार्क लगाए हैं। ये देखिए यहाँ से ऐसे करके इसको सेव देंगे। तो हम इसको एक मार्क यहाँ पे उठा लेंगे, एक मार्क यहाँ। इसको हम कटिंग कर लेंगे। इसमें कम से कम 1.25 इंच मार्जिन रखेंगे। कभी भी टाइट या ढीला हो जाए तो उसको ढीला कर सकते हैं। Thank you.
ये जो तरीका मैं बताया हूँ ये तरीका आपको बहुत जल्दी समझ में आ रहा है योगी, क्योंकि मैं आस्तीन को नाप के और इसको कटिंग किया हूँ, चेस्ट के हिसाब से इसको कटिंग नहीं किया हूँ। तो ये हमारा आस्तीन का कंप्लीट हो गया, आप इसको स्टिचिंग करके दिखाता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सही तरीका से बताऊँगा, क्योंकि ये अपना आदमी का है। आप भी तो जान भी करते हैं कि अभी वायरस का, अभी बीमारी वाले जो वायरस चल रही है इसके वजह से छुट्टी है, तो ये क्या है, हमारा घर का काम है, इसके वजह से मैं अपना घर का काम कर रहा हूँ। कस्टमर का काम तो अभी बंद हो गई है, क्योंकि दुकान बंद है, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए ये अपना जो घर का काम है वो कर रहे हैं। और आप लोग भी हर हिंदुस्तानी के लिए दुआ कीजिए कि ये जो बीमारी है दूर हो जाए, क्योंकि इससे क्या हर आदमी को नुकसान ही है। गरीब लोग क्या है, जो डेली का काम करते हैं, डेली खाते हैं, उनको तकलीफ पहुंचती है, खाने के लिए पैसा नहीं पहुंचती है, और ऊपर से क्या है, राशन दुकान भी वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल रहती है। तो आप सब, हम सब मिलकर दुआ करते हैं हर हिंदुस्तानी भाई के लिए, जिससे ये बीमारी से महफूज रहे हर हिंदुस्तानी भाई, और ये बला, ये बीमारी दूर हो जाए। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें, कोई भी सवाल है कमेंट करके हमें बताएं।